बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। टुडे वी आर कंडक्टिंग आवर लेक्चर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री। यू शुड ओपन योर बुक पेज नंबर 65 और टॉपिक इज मेटालिक बॉन्ड। जी तो स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास, प्लीज ओपन योर बुक पेज नंबर 65 मेटालिक बॉन्ड। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, सी ऑन योर बुकलेट, डिफाइन मेटालिक बॉन्ड, धाती बॉन्ड की तारीफ करें। द मेटालिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज द बॉन्ड फाउंड बिटवीन द मेटल एटम्स, धात के एटमों के दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो है वो होता है मेटालिक बॉन्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और मेटल के एटम्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं, ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल यानी हरकत करने वाले आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अपनी बुकलेट से, राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं की कुछ खसूसियात लिखें। दूसरी लाइन से देखें, द डिफरेंट प्रॉपर्टीज शोन बाय मेटल्स आर सच एज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हरारत और बिजली के अच्छे मूसल होते हैं, और हार्ड एंड हैवी नेचर, और ये सख्त होती हैं और भारी होती हैं फितरतन, सजेस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल्स। तो इससे ये सजेस्ट होता है, ये पता चलता है कि मेटल्स के एटम के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के केमिकल बॉन्ड का वजूद पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वाई डू मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स ईजीली, तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों छोड़ देती हैं। इन केस ऑफ मेटल्स द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इज वीक बिकॉज ऑफ लार्ज साइज एटम्स एंड ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये बात वाजह हो गई कि मेटल के एटम्स का साइज होता है बहुत बड़ा और न्यूक्लियस के गिर्द बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं, तो जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हो जाते हैं, और दरमियान में पाए जाने वाले शेल्स की वजह से उन पर न्यूक्लियस की कशिश का असर बहुत कमज़ोर हो जाता है। फर्दरमोर बिकॉज ऑफ द आयनाइजेशन पोटेंशियल मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ईजीली, तो मज़ीद के लो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, यानी आयनाइजेशन की कम वो सलाहियत होने की वजह से, तो मेटल जो हैं वो अपने बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लूज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ढीले या आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की खसूसियत क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो दीज लूज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल मेटल एटम्स मूव फ्रीली इन द स्पेसेस बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल, तो ये जो आज़ाद या ढीले इलेक्ट्रॉन हैं ये एटम मेटल के एटम्स के दरमियान आज़ादाना हरकत करते फिरते हैं, जहाँ चाहे जाते हैं। तो नन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इज अटैच टू एनी पार्टिकुलर एटम, तो इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी खास एटम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो इधर दे बिलोंग टू अ कॉमन पूल, बल्कि वो एक मुश्तरका तालाब नुमा जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये के बिलोंग टू ऑल द एटम्स ऑफ मेटल्स, और मेटल के तमाम एटम से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी हर मेटल के साथ वो अटैच हो जाते हैं फिर अलग हो जाते हैं, हर मेटल एटम के साथ अटैच होते जाते हैं और अलग अलग होते रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ, मेटल के इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस बात के ज़िम्मेदार हैं, तो इसका आंसर ये सेकेंड लास्ट लाइन, दीज मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटम्स ऑफ मेटल्स टुगेदर फॉर्मिंग अ मेटेलिक बॉन्ड, ये जो मोबाइल के आज़ाद इलेक्ट्रॉन हैं ये मेटल्स के एटम्स को आपस में जोड़ कर रखने के ज़िम्मेदार होते हैं, तो इस तरह से बनाते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो ये था आज का लेक्चर, अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नाइन्थ क्लास, अल्लाह हाफिज़।